नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Apple iPad 10.2 वर्सेस Samsung Galaxy Tab S8 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो iPad 10.2 में 9.87 इंच जबकि Galaxy Tab S8 में 9.99 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो iPad 10.2 में 6.85 इंच जबकि Galaxy Tab S8 में 6.51 इंच की विड्थ मिलती है जो कि iPad 10.2 से कम है। बात करें थिकनेस की तो iPad 10.2 में 0.3 इंच जबकि Galaxy Tab S8 में 0.25 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो iPad 10.2 में 487 ग्राम्स जबकि Galaxy Tab S8 में 503 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो कि iPad 10.2 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो iPad 10.2 में IPS LCD जबकि Galaxy Tab S8 में TFT की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो iPad 10.2 में 10.2 इंचेस जबकि Galaxy Tab S8 में 11 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन iPad 10.2 में 1620x2160 और Galaxy Tab S8 में 1600x2560 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iPad 10.2 में 73.85% जबकि Galaxy Tab S8 में 83.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो iPad 10.2 में 265 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy Tab S8 में 274 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iPad 10.2 में एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और Galaxy Tab S8 की बात करें तो इसमें दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iPad 10.2 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy Tab S8 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों टैब में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो iPad 10.2 में Apple GPU 4-core ग्राफिक्स जबकि Galaxy Tab S8 में Adreno 730 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iPad 10.2 में Apple Bionic और Galaxy Tab S8 में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो iPad 10.2 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 3 GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy Tab S8 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो iPad 10.2 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64 GB 256 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy Tab S8 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो iPad 10.2 में नहीं है जबकि Galaxy Tab S8 में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो iPad 10.2 में iPadOS V15 जबकि Galaxy Tab S8 में Android V12 देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो iPad 10.2 में 2 कलर्स जबकि Galaxy Tab S8 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iPad 10.2 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जिसमें कि 3 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹30,900, 3 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ ₹44,900 में मिलता है। और बात करें Galaxy Tab S8 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹58,999 में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
एप्पल आईपैड 10.2 में एक फायदे और तीन नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 की तो उसमें 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है। मेन कैमरा में गैलेक्सी टैब S8 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें नोकिया T20 है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस एल्ट है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 एल्ट है और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस है। और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।